ये कहानी इतिहास की वो घटना है जिसने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी थी और अंग्रेजों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आज नहीं तो कल उन्हें भारत छोड़कर जाना ही होगा। लेकिन हमारे ही देश के तथाकथित कुछ बड़े इतिहासकारों ने इस घटना को बहुत हल्के और छिछले रूपों में बताया है। ये घटना थी काकोरी कांड की योजना। हमारी आजादी की लड़ाई की जो सबसे बड़ी बाधा है वो है धन की समस्या। जब तक धन का समस्या का कोई बड़ा और अस्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक हमारी आजादी की लड़ाई ऐसे ही बार बार लड़खड़ाएगी। मित्र अश्वाक, आप सही कह रहे हैं। इनकी बात से मैं भी सहमत हूँ। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि पर्याप्त धन का प्रबंध हम करेंगे कैसे। ना तो कोई हमें चंदा देने वाला है और ना ही किसी और रूप में हमारी कोई मदद करेगा। कुछ लोग जो अंग्रेजों से चोरी छुपे हमारी मदद करते हैं तो भी डर डर के ही करते हैं। बिस्मिल जी, ऐसे में हम लोग अंग्रेजों के सामने कितने दिन टिक पाएंगे? उनके पास तो धन बल दोनों है। धन बल ही नहीं भगत सिंह, उनके पास पूरी मीडिया भी है जिसके माध्यम से पूरे देश में यह प्रचार कर रहे हैं कि हमारा संगठन और उसकी सारी गतिविधियां और उससे जुड़े सभी लोग आतंकवादी हैं। और अंग्रेजों के इस प्रचार में हमारे ही देश के कुछ तथाकथित अहिंसावादी लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। आजाद जी, ऐसे में हम लोग अपनी भारत माता की आजादी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? लड़ेंगे भगत, क्योंकि हम लोग अपनी भारत माता की आजादी की लड़ाई के लिए ही पैदा हुए हैं। अगर ये जन्म कम पड़ जाएगा तो फिर जन्म लेंगे और तब तक जन्म लेते रहेंगे जब तक भारत माता को अंग्रेजों और अंग्रेजों की कानून व्यवस्था से आजादी नहीं मिल जाती। सब तो यह है कि जब तक अपने देश में अपने ही देश की स्वदेशी कानून व्यवस्था और उसका पूरा न्याय तंत्र लागू नहीं हो जाता, तब तक आजादी की लड़ाई चलती रहेगी और तब तक हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। सच तो ये आजाद जी, ये लड़ाई हमें कई जन्मों तक लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह षड्यंत्रों का हमें आभास हो रहा है उसमें यही लग रहा है कि अंग्रेज हमारे देश से भले चले जाएं, लेकिन उनकी अंग्रेजी कानून व्यवस्था और उसका पूरा लूट का तंत्र इतनी आसानी से हमारी भारत माता को आजाद नहीं होने। अश्फाक सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे ही देश के तथा कथित कुछ बड़े नेता सत्ता पाने के लिए किसी भी स्तर पर जाकर अंग्रेजों के साथ सत्ता हस्तांतरण का समझौता करना चाहते हैं, ताकि अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजों की कानून व्यवस्था और उसके लूट का पूरा तंत्र इनके हाथ में हो और ये अंग्रेजों के एजेंट बनकर भारत देश का सरकार बन जाएं। बिस्मिल जी, वो तब भी नहीं जीत पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम फिर आएंगे और बार बार आएंगे और तब तक उनसे लड़ते रहेंगे जब तक अंग्रेजों और अंग्रेजों की कानून व्यवस्था को जड़ और मूल से उखाड़कर खत्म नहीं कर देती। अंग्रेजों के विरुद्ध छिड़ी ये लड़ाई तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक अपनी स्वदेशी कानून व्यवस्था और उसका पूरा न्याय तंत्र लागू नहीं हो जाता, और इसका प्रारंभ होगा काकोरी कांड से। काकोरी कांड, ये क्या है? काकोरी कांड भविष्य की वो योजना है जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाए। आजाद जी, फिर विलंब किस बात का है? भारत माता के लिए बलिदान होने वाली उत्सुक घड़ी से हमारा भी परिचय करवाइए। आजाद जी, आपकी इस योजना की कल्पना मात्र से हमारे लहू में आग लग चुकी है। अब विलंब मत कीजिए, पूरी योजना स्पष्ट कीजिए। तो योजना ये है कि हमारी आज की समस्या का सबसे बड़ा समाधान है काकोरी कांड। अंग्रेज हमारे ही देश का लूटा हुआ धन जिस ट्रेन में ले जाने वाले हैं वो काकोरी से होके गुजरेगी और हम उस ट्रेन पर काकोरी में हमला करेंगे और अंग्रेजों का सारा धन लूट कर भारत माता की आजादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर सफल रहे तो, अगर शहीद हो गए तो उसके आगे की जिम्मेदारी भगत सिंह की रहेगी। लेकिन मुझ पर ही क्यों होगी? आपको कैसे पता कि काकोरी कांड अगर असफल हुआ तो उसमें मैं शहीद नहीं होऊंगा? क्योंकि काकोरी कांड के लिए तुम्हें छोड़कर बाकी सभी लोग जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों आजाद जी? आखिर मुझसे ऐसी क्या त्रुटि हुई है जो मुझे इतने बड़े शुभ कार्य से वंचित किया जा रहा है? मैं भी जाना चाहता हूँ काकोरी कांड में। भगत, तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हम लोग शहीद हो जाएं तो तुम इस लड़ाई को अपने नेतृत्व में आगे बढ़ाओ। अगर काकोरी कांड सफल हुआ
तो मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि अगला काकोरी कांड का नेतृत्व भी तुम ही करोगे। इसके बाद इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल अस्फाक, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे कई और क्रांतिकारी अंग्रेजों द्वारा भारत के लूटे हुए धन को लूटने के लिए निकल पड़ते हैं और अंततः लूट भी लेते हैं। लेकिन अपने ही देश के कुछ मुखबिरों की मुखबिरी के कारण आजाद को छोड़कर सभी क्रांतिकारी अंग्रेजों के द्वारा पकड़े जाते हैं, जिसमें से कईयों को फांसी तो कईयों को काली पानी की सजा हो जाती है। इसी बीच आजाद भी ऐसे ही अपने विश्वस्तों की पीरी का शिकार हो जाते हैं और प्रयागराज के एक पार्क में अंग्रेजों से घिर जाने के बाद उनसे ही लड़ते हुए अपनी अंतिम बची एक गोली से खुद को शहीद कर लेते हैं। इसके साथ ही अंग्रेजों की कानून व्यवस्था और तंत्र को जड़मूल से उखाड़ फेंकने की क्रांतिकारियों की ये लड़ाई अधूरी छूट जाती है, जो आज भी अधूरी ही है और उनके पुनः आगमन के विश्वास के साथ उनका इंतजार कर रही है कि वो फिर एक बार भारत की धरती पर आएंगे और अंग्रेजों की कानून व्यवस्था और उनके तंत्र को सदा के लिए जड़मूल से उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, हमारे देसी सिनेमा में आपका स्वागत है। आप लोग देसी बोलेंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब फिर घंटी दबाना ना भूलिएगा। और दोस्तों, आप हमें बताइए, जो हमारे शहीद हुए क्रांतिकारियों का हम लोग वीडियो बनाए हैं, आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब भी करना। और इनसे हम आपका परिचय करवाते हैं, इन्हें मलेशिया से बुलाए हम लोग आज बनाने के लिए, शूट करने के लिए। बिस्मिल जी का रोल यही किए हैं और ये सच्ची घटना पे आधारित हम लोग बनाए हैं। इसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते तो इतिहास में जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी।